श्री श्वान मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का एक विशेष उपाय लिख रहे हैं जो कि दिन शनिवार को आ रही है। हम आपको बता दें कि इस शनिवार की जो दशमी तिथि है ये लंबे समय के बाद कृतिका नक्षत्र में आ रही है जो बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाली है। तो आपने इस दिवस पर एक विशेष उपाय अवश्य कर देना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं। आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय इस दिन अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपके जीवन की समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लिख रहे हैं यह विशेषकर धन संबंधी समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगी। यदि आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही हो तो अवश्य इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को उन लोगों ने अवश्य करना है जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, कोई ना कोई संकट बने रहते हों, घर में कोई ना कोई आए गए दिन समस्या आती रहती है तो परेशान रहते हैं। अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को उन लोगों ने अवश्य करना है जिनकी कोई विशेष कोई कामना अधूरी होगी। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। और आपके भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा ताकि वीडियो अपलोड होती आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो भी तुरंत देख सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को आपने शनिवार के दिन सुबह सुबह ही कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक पीपल के पत्ते की जो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में आपको जरूरत होगी थोड़े से शहद की। आप आधे से आधा चम्मच भी ले लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसके साथ ही आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और साथ में आपको लेना है एक लोटे में जल। कोशिश करनी है तांबे के लोटे में जल भर लें और घर से जल भर के लेके जाना है। केवल इन सामग्री से आपने इस उपाय को करना है। तो आइए भी इस उपाय को समझते हैं। हम आपको बता दें कि यह शिव पुराण का महा उपाय है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपको हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ ही मिल जाती है, अर्थात विष्णु जी के शासन महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है जिसकी वजह से आपके बिगड़े हुए काम शीघ्र ही बन जाते हैं। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो यह पीपल का पत्ता है आपने इसके ऊपर यह शहद लगा देना है। जब शहद लगाना है तब आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने यह जो एक चुटकी काले तिल लिए हैं आपने इस शहद के ऊपर ही लगा देने हैं और फिर से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपने यह जो पीपल का पत्ता लिया है जिसके ऊपर आपने शहद लगाया है और साथ में काले तिल लगाए हैं आपने इसे महादेव पर समर्पित करना है। समर्पित किस प्रकार से करना है? जिस तरफ आपने सामग्री लगाई है वो महादेव के ऊपर चिपका देनी है और इसकी डंडी का भाग अशोक सुंदरी की तरफ कर देना है जिस प्रकार से हम वीडियो में दिखा रहे हैं। उसके बाद आपने एक लोटा जल ठीक इसी पत्थर के ऊपर ही धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि यह पत्ता इधर उधर ना खिसके और आप जल पूरी तरह से समर्पित कर सको। और जल समर्पित करते हुए आपने शनिश्चरेश्वर महादेव से अपने जीवन की समस्या कह देनी है और श्री श्वान मस्तुभ्यम मंत्र का आपने जाप करते रहना है। अपना नाम और गोत्र लेकर आपने अपने जीवन की समस्या वहाँ पर कह देनी है। केवल इतना मात्र करने से आपके जीवन की हर तरह की समस्या शीघ्र ही समाधान होने लग जाएगा। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री श्वान मस्तुभ्याम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। श्री श्वान मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।